बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम ये एग्जांपल देखेंगे, ई रेज पावर वाई डो जेड बाई डो एक्स इक्वल ई रेज पावर एक्स डो जेड बाई डो वाई, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज पावर वाई, यू नो दैट डो जेड बाई डो एक्स इज इक्वल टू पी स्मॉल पी, एंड ई रेज पावर एक्स डो जेड बाई डो वाई इज इक्वल टू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू। दिस इम्प्लाइज हम इस तरह से लिख सकते हैं ई रेज पावर वाई इंटू पी माइनस ई रेज पावर एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो। देयर फोर लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी आपको, शाबाश, वो आएगा आपको डी एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल पी। कैपिटल पी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल पी, ई रेज पावर वाई इज इक्वल डी वाई डिवाइड बाई कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ई रेज पावर माइनस ई रेज पावर एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई आर। आर क्या है यहाँ पे आपको जीरो। इसको आप लिख सकते हो फर्स्ट। अब मैं लूंगा फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी है, फर्स्ट टू मेंबर्स, तो यहाँ पे आएगी मुझे डी एक्स डिवाइड बाई ई रेज पावर वाई इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई माइनस ई रेज पावर एक्स। दिस फर्दर एम्प्लाइज आएगा आपको ई रेज पावर वाई डी वाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग करिए माइनस ई रेज पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वैन यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वैन यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे ई रेज पावर वाई की इंटीग्रेशन आएगी ई रेज पावर वाई माइनस ई रेज पावर एक्स की ई रेज पावर एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट फॉर एग्जाम्पल ए या सी वन भी आप लिख सकते हो। दिस इम्प्लाइज ए कॉन्स्टेंट आपको निकला ई रेज पावर वाई माइनस ई रेज पावर एक्स को यहाँ पे ले जाओ प्लस ई रेज पावर एक्स इज इक्वल टू ए। इसको लिखो सेकंड, ए कॉन्स्टेंट आपको निकला, ए कॉन्स्टेंट निकला। अब मैं दूसरा निकालूंगा दूसरा कॉन्स्ट फ्रॉम लास्ट लास्ट मेंबर ऑफ फर्स्ट फ्रॉम लास्ट मेंबर इक्वेशन फर्स्ट वी है लास्ट मेंबर, वो क्या है दो डी जेड बाई जीरो, नीचे जीरो है तो हमें दो एक ही मेंबर हम लेंगे यही। दिस इम्प्लाइज डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, व्हेन यू इंटीग्रेट इंटीग्रल ऑफ डेल डो जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो एंड इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज कॉन्स्टेंट, सो जेड इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो की इंटीग्रेशन आ जाएगी कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्स्टेंट को मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्टेंट बी या सी टू, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसी हम किसी भी कॉन्स्टेंट की अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो जीरो आता है, तो नेचुरली बाय इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अगर हम इंटीग्रेशन जीरो की करेंगे तो वो कॉन्स्टेंट फिर से आना चाहिए, तो दिस इज कॉन्स्टेंट बी। देयरफॉर सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन आ जाएगा इस तरह से एफ ऑफ ए कामा बी इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ ए कामा बी इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए, ए आपने अभी निकाला एक कॉन्स्टेंट वो है ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर वाई या ई रेज पावर वाई प्लस ई रेज पावर एक्स, ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर वाई कामा बी कॉन्स्टेंट क्या है जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो। अब हम कभी कभी आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि आंसर इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन है आपको ई रेज पावर एक्स ई रेज पावर वाई ई रेज पावर जेड पे भी कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं साइड में लेता हूँ, अगर आपको फंक्शन है ई रेज पावर एक्स वाई और जेड में, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, अगर मैं यहाँ पे कोई मैं निकाल सकता हूँ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जेड, वाई को मैं निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड जेड और जेड को मैं इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जेड, यानी दिस मीन्स अगर ये फंक्शन इन टू वेरिएबल तो जेड में अगर मैं जेड यहाँ पे लूंगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ
1 minus x square minus y square. Means that is a function of यहाँ पे x and y. Function of यानि a को आप दूसरे में लिख सकते हो, दूसरे में express कर सकते हो, a को आप दूसरे में express कर सकते हो. तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, ये यहाँ पे मैं जेड को लिख सकता हूँ, जेड को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर वाई. या मैं जेड लिखा लिखा फाई ऑफ, इस तरह सोल्यूशन फाई ऑफ ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर वाई, इस तरह से भी मैं सोल्यूशन इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लिख सकता हूँ. अब अगर ये एग्जाम्पल है, इस तरह से अगर एग्जाम्पल आपको होगी, जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. अगर आप याद करोगे, जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे आपने मिसलिनियस में पढ़ा था कैलियोट्स इक्वेशन, वो इस तरह से होती थी, वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी. ये होती थी आपको कैलियोट्स इक्वेशन, कैलियोट्स इक्वेशन. तो इसका सोल्यूशन आपको सिंपली होता था, आप पी को रिप्लेस करते थे बाई सी. सोल्यूशन आपको होता था इज पी इज को आप किससे रिप्लेस करते थे, सी से. आपको याद होगा वाई इज यू सिंपली सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी वाई. सी होता था कॉन्स्टेंट, सी होता था कॉन्स्टेंट. बताए मैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये कैरियोट्स इक्वेशन है, मगर यहाँ पे एक ही डिफरेंशियल कोफिशेंट वहाँ पे होता था डी वाई बाई डी एक्स. जो ये है जेड इज इक्वल पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी हैं आपको कैलियोट्स फॉर्म, ये भी हैं कैलियोट्स इक्वेशन, कैलियोट्स इक्वेशन. फर्क क्या है कैलियोट्स इक्वेशन, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपको एक ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था, इसमें इसमें दो हैं, एक पी डोजेड बाई डो एक्स और दूसरा क्यू डोजेड बाई. वहाँ पे आप पी को एक ही, पी तो एक ही था, एक ही डिफरेंशियल एक ही कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे दो हैं पी एंड क्यू. तो यहाँ पे पी एंड क्यू अलग अलग दो कॉन्स्टेंट से एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी उनके वैल्यूज हम उनके बदले हम दो अलग अलग कॉन्स्टेंट लिखेंगे. तो हम लिखेंगे सीधा सोल्यूशन इस, करने की जरूरत बहुत, नजर से आप पहचान सकते हो, जेड इज इक्वल इस पी को ए कॉन्स्टेंट से ए एक्स प्लस क्यू को दूसरे कॉन्स्टेंट से बी वाई प्लस यहाँ पे पी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस. यानी दो कॉन्स्टेंट, दो जो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं आपको डोजर बाई डो एक्स पी यानी डोजर बाई डो वाई क्यू, इनको आपको अलग अलग दो कॉन्स्टेंट से रिप्लेस करना है तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है ना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देखेंगे, एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एग्जांपल पी प्लस क्यू. छोटी छोटी एग्जांपल को आपको ट्राई करना है, ज़्यादा बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस खाली आपको छोटी छोटी एग्जाम्पल्स को ट्राई करना है. अगर ये एग्जाम्पल हैं हमारे पी प्लस क्यू इक्वल टू वाई, तो लैग्रेंजस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, लैग्रेंजस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो यहाँ पे आएगा डी एक्स डिवाइड बाई पी का कोएफिशिएंट 1, डी वाई डिवाइड बाई क्यू का 1, डी जेड डिवाइड बाई जेड. ठीक, फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट, नाउ यू नो दैट फ्रॉम फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट यानी फर्स्ट टू टू मेंबर्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई. अब जब आप इंटीग्रेशन इसको करोगे, इंटीग्रेटिंग आप इसको बोथ साइड्स करोगे, तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस कॉन्स्टेंट ए या सी वन भी, जैसे जिस तरह से आपको मर्जी है, जिस सिंपल एज ए कॉन्स्टेंट एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए आपको निकला, एक्स वाई निकला ए. अब हम लेंगे फ्रॉम लास्ट टू मेंबर्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम लास्ट मेंबर्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी है लास्ट लोगे डी वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड, डी जेड बाई जेड. इसकी इंटीग्रेशन जब आप करोगे, इंटीग्रेटिंग डी वाई की वाई, इंटीग्रल ऑफ डी जेड बाई जेड आपको पता है लॉग जेड प्लस कॉन्स्टेंट पी प्लस कॉन्स्टेंट बी. तो अगर आप b देखोगे, b निकालोगे y माइनस लॉग ऑफ z, वो आपको आएगा p निकला दूसरा. डियर फोर सॉल्यूशन
of differential equation is f of a comma b is equal to 0. F of a of nikala x minus y comma b y minus log z is equal to 0, which is the required solution of the given partial differential equation. ये निकला इसका solution. अब हमने linear partial differential equation of first order बहुत discuss किए. अब हम थोड़ा सा non-linear partial differential equations पे जाएंगे. Non-linear partial differential but of first order. अब हम जाएंगे non-linear partial differential equations of order first ही order in P and Q. First means first order means dou z by dou x, dou z by dou y, ये आ जाएंगे. यानी dou to z by dou x नहीं आ सकता है, dou to z by dou y नहीं आ सकता है, वो second orders है, ठीक है ना? तो first orders यानी P and Q ही इन्वॉल्व हो जाएंगे इस तरह के equationों में. यही दो आपको इन्वॉल्व हो जाएंगे. अगर आप याद करोगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस को कहते हैं, इसके लिए आपको याद करना है डेफिनेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी को लिखना है वो लिख भी सकता है. लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिफाइन करते हैं, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if the dependent variable, for example z, if the dependent variable z and its partial derivatives means dou z by dou x, dou z by dou y and so on, and its partial derivatives occur only in first degree and are not multiplied together. ओकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री, यानी इनकी डिग्री आपको वन आनी चाहिए. यानी डिग्री मीनस पावर क्या है इनका, वो ये तो यहाँ तो डिग्री टू आ जाएगी, इनकी डिग्री वन ही होनी चाहिए. एंड जो ये है ये जेड, जेड की भी वन होनी चाहिए. और जो जेड है इस एंड इट्स पार्शियल डिग्री, पहले तो इनकी डिग्री वन होनी चाहिए लीनियर में, मैं लीनियर में बोल रहा हूँ. और इस तरह के प्रोडक्ट जेड इंटू जो जेड बाई डो एक्स जेड, ये नहीं आने चाहिए लीनियर में. अब नॉन लीनियर क्या है, जिसमें आपको ये चीज, जिसमें आपको प्रोडक्ट भी आ जाएंगे और डिग्री भी आपको वन नहीं रह जाएगी. फॉर एग्जांपल नॉन लीनियर की अगर मैं आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं, नॉन लीनियर की एग्जांपल मैं आपको देता हूं, तो उसमें आपको आएगा जेड डो जेड बाई डो एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 5. अगर आप यहाँ पे देखोगे z डिपेंडेंट वेरियबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव दे आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, सो ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर इसी तरह से आप देखोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1. P मीनस डो जेड बाय, आपको पता है P क्या है, P है आपको डो जेड बाय डो एक्स, क्यों है डो जेड बाय डो वाई, ये तो आपको पता है. देखो इनकी यहाँ पे क्या, आपको लीनियर में आपको वो एग्जिस्ट होने चाहिए फर्स्ट डिग्री में, यानी P और Q के पावर्स 1 आने चाहिए. यहाँ पे देखो P के पावर 2 है और Q के पावर 2 है, तो डिग्री तो 1 यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट डिग्री तो नहीं, ये सेकेंड डिग्री है, तो लीनियर नहीं है. तो जब लीनियर नहीं है तो ये भी है नॉन लीनियर, ये भी है नॉन लीनियर. आगे चल के हम इनके सॉल्यूशन देखेंगे, इनके सॉल्यूशन हम किस तरह से निकालेंगे. अब जो हम नॉन लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने जा रहे हैं उसके लिए फर्स्ट टाइप है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ओनली पी एंड Q, only P and Q and no X, Y and Z. Yani equation is involving only P and Q and no X, Y and Z. तो इसके लिए हम इस तरह से कर देंगे, यानी जो इक्वेशन अब हमें वो ओनली उस पर पी एंड क्यू होगा, एक्स वाई और जेड नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है, लेट द
equations. Be this f of p comma q equal to 0, p comma q equal to 0. अगर आप इस equation में देखोगे, इस equation में आपको खाली p and q है, p and q है, इसको हम पहले first लेते हैं. इसका solution हम इस तरह से लेते हैं, the complete integral of the complete integral of equation, integral minus solution, integral minus solution. ये मैंने आपको पहले बोला integral minus, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ solution of equation first is given by, इस तरह से हम इसका solution देते हैं. मगर कब, जब ये खाली p और q इन्वॉल्व करता हो, यानी f ऑफ p कामा q इक्वल टू 0. इस तरह से लेते हैं z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वायर ए एंड बी, ए बी एंड सी आर ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स. जो ये ए एंड बी हैं, ए एंड बी हम इस तरह से चूज करते हैं, वायर ए एंड बी आर चूजन सच दैट, इस तरह से हम चूज करते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करने, सच दैट दे सेटिस्फाई, सच दैट दे सेटिस्फाई, सच दैट दे सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करने चाहिए. इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एफ ऑफ पी का मा क्यू इक्वल जीरो, मीनस अगर पी की जगह मैं ए देता हूँ, क्यू की जगह बी, ये सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी दैट इज एफ ऑफ पी की जगह ए, क्यों की जगह बी इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए एफ ऑफ ए. ये है इक्वेशन थर्ड, ये है इक्वेशन थर्ड. अगर आप देखो, आप इस तरह से भी इसको चेक कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर मैं फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड, अगर मैं डो जेड बाई डो एक्स निकालता हूँ, डो जेड बाई डो एक्स आपको पता है वो है पी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए एक्स की डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वन और y की जीरो, ये जीरो हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे a आपको निकला, a निकला, p निकला, a, जिस तरह से आपने यहाँ पे भी a दिया था. देखो यहाँ पे मैंने p की जगह a दिया था, ये इस इक्वेशन से कर ली मुझे a किसके निकला p. सिमिलरली अगर आप डो बाई डो क्यों निकालोगे, क्यों इज इक्वल टू डो जेड बाई डो वाई, अगर इस इक्वेशन इक्वेशन सेकंड में आप क्यों निकालोगे डो जेड बाई डो वाई, तो ये जीरो है, बी वाई की विद रिस्पेक्ट टू वाई वन, तो बी ही आएगा, तो आएगा बी, जिस तरह से आपने क्यों कीजिएगा बी, तो ये पूरा सेटिस्फाई होता है, पूरा सेटिस्फाई होता है. तो आपने हमने ये चेक भी किया, पी का वैल्यू वाकई में इस इक्वेशन से ए मिलता है और क्यू का वैल्यू इससे बी मिलता है, ठीक है ना. अब जाके हम क्या बाद में क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन थर्ड से, ये देखो यहाँ पे हमने एफ ऑफ ए कमा बी निकाला इक्वल टू जीरो, इससे देखो ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, आप ए को निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ बी और बी को निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ ए, आपकी मर्जी है. फ्रॉम थर्ड हम इस तरह से निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी है, हम बी को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ ए, फॉर एग्जाम्पल बी को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ए, बी इज इक्वल फाइव ऑफ ए. फॉर एग्जाम्पल अगर ए प्लस बी स्क्वायर, जो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन है, तो मैं ए को निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ बी, ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर, वहीं मैंने फाइव ऑफ ए लिया है. डियर फोर इसको हम वैल्यू करते हैं यूज इक्वेशन सेकंड में, डियर फोर यूजिंग दिस फोर्थ, यूजिंग फोर्थ इन सेकंड वी है, तो सॉल्यूशन हमें निकलता है जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, बी क्या है फाइव ऑफ ए इंटू वाई प्लस सी, तो ये निकला हमारा सॉल्यूशन, तो ये निकला हमारा सॉल्यूशन. अब अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, जो अभी आपको मैं टाइप फर्स्ट डिस्कस कर रहा था नॉन लीनियर का, फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम ये एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन,
देखो ये उस फॉर्म में है एफ ऑफ पी का मा क्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो, आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन को यहाँ पे ले जा सकते हो, माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो दिस मीन्स ये आप दिस फॉर्म है, दिस ये जो इक्वेशन है विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है ये, एफ ऑफ पी कामा क्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये आपको पी एंड क्यू इन्वॉल्व करते हैं, एक्स वाई और जेड आपको ये इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ये खाली आपको पी एंड क्यू इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से मेरे ख्याल से ये पेन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन, तो यहाँ पे विच is of the form f of p comma q equal to zero, f of p comma q equal to जीरो। तो ये इस फॉर्म है, क्योंकि आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये माइनस वन यहाँ पे ले जा सकते हो, तो खाली पी एंड क्यू कंटेन के ये करता है, एक्स वाई और जेड वो चीज़ें इसमें नहीं है। तो इसका सोल्यूशन हम किस तरह से लिखते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट का, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज ऑफ द फॉर्म, इस तरह से हम फिर सॉल्यूशन लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू शबाश ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको हम लिखते हैं सेकंड। साइज डेट ए और बी किस तरह से हम चूज करते हैं, साइज डेट जो ये गिवन इक्वेशन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी ए और बी हमें इस तरह से चूज करनी ताकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, साइज डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी की जगह ए क्यू की जगह बी इक्वल टू वन। दिस मीनस अगर मैं बी को यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ए निकालूंगा, दिस मीनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस ए स्क्वायर, या बी इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो अंडर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर, इसको आप लिखोगे इक्वेशन थर्ड, इसको आप लिखोगे इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजिंग थर्ड इन सेकेंड वी है, तो जेड क्या आपको आएगा ए एस प्लस बी बी वाई बी वाई, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको आ गया, यहाँ कंप्लीट इंटीग्रल आपका आ गया, जेड इज इक्वल ए एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी वन माइनस ए स्क्वायर वाई। इसी तरह से अगर हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इस तरह से, एग्जाम्पल हम लेंगे पी क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब अगर आप इस इक्वेशन में भी देखेंगे, ये इक्वेशन खाली पी और क्यू को कंटेन करता है, तो ये इस फॉर्म में है एफ ऑफ पी कामा क्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप इसको यहाँ पे शिफ्ट या इनको यहाँ पे शिफ्ट करके उस फॉर्म में डाल सकते हो। सो इट इज इक्वेशन फर्स्ट, पहले लो इट इज सोल्यूशन किस तरह से आएगा, आपको पता है जब इक्वेशन ऑनली पी एंड क्यू कंटेन करते हैं तो उसका सोल्यूशन हम इस तरह से लिखते हैं, इट इज सोल्यूशन सोल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको आप सेकंड लिखते हो, वायर ए एंड बी आर साइज डेट दे सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, ए और बी को आप इस तरह से चूज करते हो ताकि वो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करे, यानी ए और बी इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई यहाँ पे करने चाहिए, तो ए पी की जगह ए और क्यू की जगह बी इज इक्वल टू ए प्लस क्यू की जगह बी, दिस मीन्स यहाँ पे मुझे बी निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए। अगर मैं ए बी प्लस बी यहाँ पे लूंगा माइनस बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ए बी निकालूंगा यहाँ पे कॉमन बी, यहाँ पे क्या रह गया ए माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस वन इज इक्वल टू ए, एक मिनट। तो यहाँ पे अब मैं इस तरह से कर सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज अगर आप देखोगे खुद ब खुद बी इंटू ए माइनस वन आपको ए है तो बी इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए माइनस वन ए माइनस वन, तो ये निकला बी। डियर फोर सोल्यूशन इज जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी,
सो जेड इज इक्वल टू ए, आपने ए एक्स इसी तरह से बी आपने निकाला, बी क्या है ए डिवाइड बाई ए माइनस वन इंटू वाई प्लस सी, तो ये निकला आपका वो सॉल्यूशन, ये निकला सॉल्यूशन आपका, या कंप्लीट इंटीग्रल भी लिख सकते हो आप, या सॉल्यूशन भी लिख सकते हो ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।